हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट का लेसन नंबर 7, द मिस्चीवियस शेफर्ड बॉय। मिस्चीवियस मींस दुष्ट, शेफर्ड बॉय गडरिया। तो ये कैसे गडरिया की एक स्टोरी है जिसे झूठ बोलने में बहुत मजा आता है और वो डेली ही लोगों को झूठ बोलकर उन्हें मूर्ख बनाता था और उसका झूठ किस तरह से उस पर भारी पड़ जाता है आज हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और पढ़कर बहुत ही मजा आने वाला है, तो प्लीज स्टोरी को एंड तक सुनिए। देयर वाज अ शेफर्ड बॉय नेम मोहन। एक बार एक मोहन नाम का गडरिया था। शेफर्ड मींस होता है गडरिया। ही यूज टू टेक केयर ऑफ हिज मास्टर शिप। वह अपने मालिक की, मास्टरशिप होता है मालिक की भेड़ों की, तो वह अपने मालिक की भेड़ों की देखभाल करता था। टेक केयर मीन्स देखभाल करना। ही टुक देम टू द पास्चर्स नियर द फॉरेस्ट एवरी डे। टुक देम, उन्हें ले जाता था। कहाँ ले जाता था? पास्चर्स। पास्चर्स मीन्स होता है हरे भरे खेतों में। नियर द फॉरेस्ट, जंगल के पास। एवरी डे, प्रतिदिन। वह प्रतिदिन जंगल के पास हरे भरे खेतों में उन्हें ले जाता था। His master had told him to call someone for the help if a wolf attacked the flock. उसके मालिक ने उसे कहा कि अगर कोई भेड़िया भेड़ों पर झुंड पर अटैक करता है, हमला करता है, तो तुम किसी को हेल्प के लिए बुला लेना। One day he was bored. एक दिन वह बोर हो रहा था। He thought of having some fun. तो उसे कुछ मजाक करने का सोचा। फन होता है मजाक करना। थॉट, सोचा। तो उसने कुछ मजाक करने का सोचा। सो ही क्राइड अलाउड। तो इसीलिए वह जोर से चिल्लाया। अलाउड होता है जोर से। क्राइड, चिल्लाया, जोर से चिल्लाया। वोल्फ, वोल्फ। द वोल्फ इज कैरिंग अवे ए शिप। भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया एक शिप को ले जा रहा है, एक भेड़ को ले जा रहा है। सम फार्मर्स वर वर्किंग नियर बाय। सम फार्मर्स, कुछ किसान वर्किंग, काम कर रहे थे। नियर बाय, पास में ही। तो कुछ किसान पास में ही काम कर रहे थे। व्हेन दे हियर द क्राई, व्हेन, जब दे, उन्होंने हियर, सुना द क्राई, चिल्लाने की आवाज। जब उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी, दे केम रनिंग टुवार्ड्स हिम। दे मींस वे, के मतलब आए, रनिंग भागते हुए, टुवार्ड्स हिम उसकी तरफ। जब उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वे भागते हुए उसकी तरफ आए। बट वेन दे रीच देयर, लेकिन जब वे वहां पहुंचे, रीच्ड होता है पहुंचना, पहुंचे। दे सा नो वोल्फ, उन्होंने देखा वहां पर कोई भी वोल्फ नहीं थी। सा मीन्स देखा। उन्होंने देखा, क्या देखा? कि वहां पर तो कोई वोल्फ नहीं थी। वेयर इज द वोल्फ, वुल्फ कहाँ है? दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आस्क मीन पूछा। द बॉय लाफ्ड एंड रिप्लाइड, देयर इज नो वुल्फ, इट वॉज जस्ट अ जॉक। द बॉय लाफ्ड, लड़का हंसा। लाफ्ड मीन होता है हंसा। रिप्लाइड, उत्तर दिया। देयर इज नो वुल्फ, यहाँ कोई वुल्फ नहीं है, यह तो बस एक मजाक था। जस्ट अ जॉक, बस एक मजाक था। After some days, the farmers hear the same cry, wolf, wolf. कुछ दिनों के बाद किसानों ने सेम चिल्लाने की आवाज सुनी, वही चिल्लाने की आवाज दोबारा सुनी। Heard होता है सुनी। Wolf, wolf, भेड़िया, भेड़िया। When they reached there, और जब वे वहां पर पहुंचे, they saw Mohan laughing. उन्होंने देखा कि मोहन हंस रहा था। They were very angry. Angry means होता है गुस्सा होना। तो वे बहुत ही गुस्सा हुए। एंड वेंट बैक टू देयर वर्क, और फिर अपने काम पर वापिस चले गए। बैक, वापिस, देयर वर्क, अपने काम पर। तो वे अपने काम पर वापिस चले गए। वन डे ए वुल्फ केम एंड रियली वेंट आफ्टर मोहन शिप। एक दिन सच में ही क्या हुआ कि एक वुल्फ आई और वो मोहन की भेड़ों के पीछे चली गई। मोहन गॉट फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स होता है डर गया। मोहन डर गया and shouted for help, और help के लिए चिल्लाने लगा। shouted होता है चिल्लाने लगा। wolf, wolf, he cried, वह चिल्लाया। wolf, wolf, भेड़िया, भेड़िया। oh, the boy has already fooled us twice. फिर वो जो किसान थे, farmers थे, वो क्या कहते हैं? अरे, यह लड़का तो already, पहले ही fooled होता है मूर्ख बनाया। us twice, twice means दो बार।
तो वो कहते हैं फार्मर, द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा कि अरे इस लड़के ने तो हमें पहले ही दो बार मूर्ख बना दिया, He shall not have another chance. अब उसको हम दूसरा मौका नहीं देंगे. Another chance, दूसरा मौका. उसे हम दूसरा मौका नहीं देंगे. Therefore, no one came to his help. इसीलिए, therefore means होता है, इसीलिए, no one came. कोई भी नहीं आया to his help. उसकी help के लिए. तो इसीलिए उसकी help के लिए कोई भी नहीं आया. And the wolf carried one of the sheep away. और जो wolf थी, जो भेड़िया था, carried ले गया one of the sheep away. उसकी एक भेड़ को. तो भेड़िया उसकी एक भेड़ को ले गया. तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा लेसन नंबर 7, द मिस्चीवियस शेफर्ड बॉय. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इस स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. हमें झूठ बोलने से काफ़ी नुकसान हो सकता है. इस तरह के नुकसान से बचने के लिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. और जो बच्चा झूठ बोलता है तो उसकी बात पर कभी भी कोई यकीन नहीं करता. झूठ बोलने वाली बात पे कोई यकीन नहीं करता ना, तो इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, वर्ड मीनिंग. वैसे मैंने आपको साथ साथ बताए भी हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं. शेफर्ड, शेफर्ड मीन्स ए मैन हु लुक्स आफ्टर शिप. एक व्यक्ति जो भेड़ों की देखभाल करता है. कौन करता है भेड़ों की देखभाल? गडरिया. तो इट मींस गडरिया. पास्चर्स, ग्रासी फील्ड. इट मींस हरे भरे खेत. फॉग, ए ग्रुप ऑफ शिप, भेड़ों का झुंड. बोर्ड, टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग रेगुलरली. कोई भी काम जब हम रेगुलरली या बार बार करके थक जाते हैं तो हम उसे बोर होना कहते हैं. बोर्ड मतलब उब जाना. रीच्ड, अराइव एट, पहुंचा. हियर्ड, टू लिसन, सुना. एंग्री, फ्यूरियस. एंग्री मीन्स बहुत ज्यादा गुस्सा होना. फ्राइटन, स्केयर्ड. इट मीन्स डरा हुआ. ऑलरेडी, पहले ही. अनदर, समदर मतलब दूसरा मौका. कैरीड, ले गया. टू टेक अवे मतलब कैरिड मीन्स ले गया. तो ये हुए इसके वर्ड मीनिंग. अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, कंप्रीहेंशन. कंप्रीहेंशन में देखिए पार्ट ए. ए पार्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं. दो तीन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से दो ऑप्शन रॉन्ग है, एक ऑप्शन राइट है. तो अब हमें राइट ऑप्शन पर टिक करना है. देयर वॉज ए शेफर्ड बॉय नेम्ड डैश. एक बार एक गडरिया था, उसका नाम क्या था? हरी, हरिमोहन और मोहन. तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? सी, मोहन. उसका नाम मोहन था ना. वन डे ही वाज डैश. एक दिन वह क्या हो रहा था? बोर्ड, स्लीपिंग, वॉकिंग. बोर हो रहा था, सो रहा था या वॉकिंग चल रहा था. तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए, बोर्ड. देयर वाज नो डैश. इट वाज जस्ट अ जोक. वहां कोई नहीं था, यह तो एक केवल एक मजाक था. तो क्या आएगा वहां के, कौन नहीं था? टाइगर, लॉयन और वुल्फ. तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? देयर वाज नो वुल्फ. इट वाज जस्ट अ जोक. अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट बी, टिक फॉर द राइट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट. सही स्टेटमेंट के लिए टिक करना है और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, उसके लिए क्रॉस लगाना है. फर्स्ट सेंटेंस देखिए. His master had told him to call for help if a tiger attacked the folk. उसके मालिक ने कहा help के लिए, बुलाने के लिए, अगर कोई tiger attack करता है भेड़ों के झुंड पर. तो ये statement क्या हुआ? Wrong. Tiger attack नहीं करता. कौन attack करता है? Wolf. Second देखिए. So he crowed aloud wolf wolf. इसीलिए वह जोर जोर से चिल्लाया था wolf wolf. ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग. वह इसलिए नहीं चिल्लाया था कि वुल्फ ने उसकी भेड़ों पर अटैक कर दिया था. वो किस लिए चिल्लाया था? क्योंकि वह मजाक कर रहा था. थर्ड देखिए. आफ्टर सम डेज द फार्मर हियर द सेम क्राई. कुछ समय के बाद किसानों को फिर से चिल्लाने की आवाज आई थी ना, चिल्लाने की आवाज.
तो ये क्या स्टेटमेंट है? राइट। द वुल्फ कैरीड ऑल ऑफ द शिप अवे, क्या वुल्फ उसके सभी भेड़ों को अपने साथ ले गई? रोंग, ये स्टेटमेंट रोंग है, उसके सभी भेड़ों को नहीं लेके गई थी, वो सिर्फ एक भेड़ को लेके गई थी। नेक्स्ट पार्ट है आपका सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं और ऊपर आपको एक ऑप्शन बॉक्स दिया गया है, इनमें से सही ऑप्शन चूज करके इन सेंटेंसेस में फिल करना है। इनके मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले वर्क, वर्क मीन्स होता है काम। फ्राइटेंड, डरा हुआ। फन, मजाक। वुल्फ, भेड़िया। फर्स्ट सेंटेंस देखो, ही थॉट ऑफ हैविंग सम, उसने सोचा, क्या सोचा? कुछ फन, यानी कि मजाक करने का। तो यहां क्या ऑप्शन आएगा? फन, उसने मजाक करने का सोचा। सेकेंड सेंटेंस, बट वेन दे रीच देयर, लेकिन जब वे वहां पहुंचे, वेन दे रीच देयर, जब वे वहां पहुंचे, दे सा नो, उन्हें नहीं दिखाई दिया, क्या नहीं दिखाई दिया था? वुल्फ। दे वर वेरी एंग्री, वे बहुत ही गुस्सा थे, एंड वेंट बैक टू देयर, और फिर वापिस अपने वर्क पर चले गए, अपने काम पर चले गए। नंबर फोर, मोहन गोट डैश एंड शाउटेड फॉर हेल्प। मोहन क्या हुआ? फ्राइटेंड, डर गया, एंड शाउटेड, और चिल्लाया फॉर हेल्प, मदद के लिए। ये हुए इसके फिलअप्स। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर देने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, Why were the farmers angry with Mohan? किसान मोहन से नाराज क्यों हुए, मोहन के साथ गुस्सा क्यों हुए? आंसर देखिए, Because he was making fool them, क्योंकि वह उन्हें मूर्ख बना रहा था। सेकेंड क्वेश्चन, Did the farmer come when Mohan shouted wolf wolf? जब मोहन जो चिल्लाया कि भेड़िया भेड़िया, तो क्या वो फार्मर उसके पास आए थे? आए थे ना, फर्स्ट टाइम आए थे, सेकंड टाइम भी आए थे, थर्ड टाइम वो नहीं आए। तो क्या आंसर होगा इसका? यस, दे केम व्हेन मोहन शाउटेड वुल्फ वुल्फ। हाँ, वो चिल्लाया, हाँ किसान आए जब वो चिल्लाया वुल्फ वुल्फ। ओके, वुल्फ वुल्फ। नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द वुल्फ, वुल्फ कहाँ है? हु आस्क्ड दिस, ये किसने पूछा? द फार्मर्स आस्क्ड दिस, तो ये बात किसने पूछी थी? फार्मर्स ने। व्हाट हैपन व्हेन नोबडी केम टू मोहन्स हेल्प, क्या हुआ जब कोई भी मोहन की हेल्प के लिए नहीं आया? क्या हुआ था? द वुल्फ कैरीड वन ऑफ द शीप अवे, वुल्फ जो था एक भेड़ को दूर ले गया था। ये हुआ आपका कंप्रीहेंशन पार्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ग्रामर वर्कशॉप। ग्रामर वर्कशॉप में आपको क्या दिया गया है? एक्शन वर्ड। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्शन वर्ड्स होते को क्या है। स्टूडेंट्स देखिए, सम वर्ड्स टेल अस अबाउट एक्शन, कुछ वर्ड जो होते हैं हमें एक्शन के बारे में बताते हैं। सच वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स, तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। जब भी आप कोई काम करते हो, कोई भी एक्शन करते हो, तो उस एक्शन को बताने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं एक्शन वर्ड। तो यहाँ पे देखिए, लुक एट द पिक्चर, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स। यहाँ आपको पिक्चर दी गई है और साथ में आपकी हेल्प के लिए हेल्प बॉक्स भी दिया गया है। इनमें से एक्शन वर्ड चूज करके आपको यहाँ फिल करने हैं, पिक्चर देख के बताना है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सा एक्शन कर रहे हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पिक्चर में ये बच्चा क्या कर रहा है? चल रहा है ना, कौन सा एक्शन कर रहा है? चलने का, और चलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉक। तो यहाँ पे हम क्या फील करेंगे? वॉक, चलना। ये बच्ची देखिए इस पिक्चर में क्या कर रही है? फ्लावर की खुशबू को सूंघ रही है, स्मेल ले रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्मेल। इस बच्चे को देखिए ये क्या कर रहा है? ये बच्चा जंप कर रहा है, तो यहां पे क्या आएगा? एक्शन वर्ड जंप। डी पिक्चर में दो बच्चे खेल रहे हैं,
क्या काम कर रही है, कौन सा एक्शन कर रही है? खेलने का, और खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। और इस पिक्चर में बच्चा तैर रहा है तो ये क्या आएगा? स्विम। एफ पिक्चर में देखिए बच्ची क्या कर रही है, खाना खा रही है ना, तो यहां क्या आएगा? ईट। खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। यहां ये बच्चा सीढ़ियां चढ़ रहा है और ऊपर चढ़ने को क्या कहते हैं हम? क्लाइम। तो यहां क्लाइम वर्ड आएगा। नेक्स्ट में देखिए बच्चा बुक पढ़ रहा है और पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड। और इस पिक्चर में बच्चा क्या एक्शन कर रहा है? पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। धक्के देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुश। तो यहां कौन सी एक्शन वर्ड आएगा? पुश। तो ये हुए आपके एक्शन वर्ड्स। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपको बताया गया है वोवल और कंसोनेंट के बारे में। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि वोवल्स कौन से होते हैं और कंसोनेंट कौन से होते हैं। हमारे इंग्लिश के 26 अल्फाबेट होते हैं। 26 अल्फाबेट में से 5 अल्फाबेट जो होते हैं वो वोवल होते हैं। वो कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वोवल। और इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट हैं वो सभी क्या होते हैं? कंसोनेंट। अब एफ पार्ट में आपको क्या करना है, जो भी वोवल है उसको सर्कल करना है। ओके, स्पॉट द वोवल्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल देम। यहां पर आपको वोवल्स को सर्कल करना है, ये आप खुद करोगे। ए, ई, आई, ओ, यू लेटर को आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट पार्ट देखो, क्रिएटिव राइटिंग है। क्रिएटिव राइटिंग में आपको क्या करना है? डू यू हैव ए पेट। अब यहां पूछ रहा है कि आप क्या, आपके पास कोई पेट है, कोई पालतू जानवर है? अगर है तो राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट। तो उसके बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं और आप उसकी किस तरह से देखभाल करते हो। मैंने एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिख के दिखाए हैं कैसे करना है। वी हैव ए पेट डॉग। हमारे पास एक पालतू कुत्ता है। हिज नेम इज मोती। उसका नाम मोती है। आई गिव हिम मिल्क, फिश एंड बिस्किट्स। मैं उसे खाने के लिए मिल्क, खाने के लिए फिश देता हूँ, बिस्किट देता हूँ, और क्या देता हूँ? पीने के लिए मिल्क देता हूँ। आई प्ले विद हिम। मैं उसके साथ खेलता हूँ। आई लाइक हिम अलॉट। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो इस तरह से अगर आपके पास घर में कोई और पेट भी है, कोई पेट एनिमल है, पेट बर्ड है, तो आप उसके बारे में यहाँ पे 5 सेंटेंस लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा लेसन नंबर 7 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके स्क्रीन पर जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। उसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।